अजमेर के गलसाना इलाके में दिव्यांग मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद गलसाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर बालूराम ने बताया कि थाना क्षेत्र के फाइसगर के रहने वाली पिता ने शिकायत दी कि वह गुरुवार को अपने परिवार के साथ किसी फंक्शन में गए थे। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने घर में मंदबुद्धि दिव्यांग बच्ची के साथ दुराचार किया और वहाँ से फरार हो गए। इसकी सूचना पर उन्होंने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सभी के बयान लेते हुए मंदबुद्धि बच्ची का मेडिकल मुआयना भी कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश के साथ ही आरोपी की तलाश में जुटी है। कल दिनांक 1/11/2019 की बात है, हमारे थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की मंदबुद्धि पीड़िता के मंदबुद्धि एक बालिका के साथ में किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट परिवादी ने ला करके थाना में पेश की। इस रिपोर्ट के ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को उसके परिजनों के साथ में थाने में तलब कर उसका मेडिकल मुआयना कराया गया और सभी के 161 CRPC के बयान लिए गए, नक्शामों का मूर्ति किया गया और जितनी भी आवश्यक तफ्तीशी कार्रवाई पूर्ण कर अभी पीड़िता के 164 के बयान करवाने के लिए समन जारी करवाया जाएगा और तफ्तीश जारी है।